व्लॉग में भी बहुत बोल के ना मेरे गले में दर्द पड़ गए, लेकिन आप लोग ये समझते नहीं है, मेरे अल्लाह ने तो देख रहे हैं ना इंसानों के सामने। तो आप लोग कुछ भी बोल के सच्चे बन जाओगे कि भाई ये बात मुझे तंग नहीं करेंगे। और मैं आखिरी दफा बता रही हूँ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना विलेज ब्लॉग्स, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन लाजमी दबाया करें। हाँ बहुत अच्छा काम करे। मैं करने लगी थी रूम की सफाई और मैं सुजान जो है सारे खिलौने फिर फैलाए हुए थे, खेल रही थी, तंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम जो है ना खिलौनों से खेलो। अभी कहती तुम परेशान मत हो, मैं सारे खिलौने इकट्ठे कर रही हूँ। चलो तुम खिलौने इकट्ठे कर लो, फिर मैं काम करती हूँ। बहुत समझदार है मैं, हाँ सारे सारे जमा कर लो। हाँ सब उठा लो ना आप। हाँ लोग की सफाई करते हैं अपने। हाँ जान बहुत अच्छा। बर्तन बाद में धोना, तुम पहले अपने खिलौने समेट लो सारे। शाबाश। आराम से आराम से सारी बॉल्स उठा लो। सिलवाया था मैंने, कमेंट्स चेक किए थे, कह रहे थे अब ये इस सूट में भी इस व्लॉग डालेगी फिर और पहनेगी, तो मैंने कहा चलो क्या याद करोगे आप लोग पहन लो। बताना आप लोग ये कलर अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है कलर भी और सिला हुआ भी। ये सूट मैंने खुद सिलाई की है, तो कलर इसका मुझे ना इसकी कमीज का जो प्रिंट है ना बहुत प्यारा लगा है, तो आप लोग बताना वीडियो में इसका प्रिंट और ये सूट कैसा लग रहा है। मिसू सूट अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। झूठ बोल रही हो? उठा लेता। जल्दी जल्दी उठा लो फिर मैं ये झाड़ू। बच्चे जल्दी जल्दी देखो गाइस, मिसू माशाल्लाह कितनी समझ, सारे खिलौने अपने जमा कर रही है। अरे ये भी तो पड़े हैं अभी। ये वाली बॉल्स टोकरी जितना तो तू खुद है मेसू। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। ओए बाहर लेके जा रहे टोकरी? जी बाहर लेके जा रहे हैं। वो क्या होता है गाना है? ये कौन सा गाना है? पता है मेसू बच्चे गाना नहीं गाते। माफी मांग लो, अल्लाह माफी मांग लो। ओके मैं झाड़ू दे लूं। संभाल क्या है? पक्की बात है तुम्हारी पड़ी है इधर।
के नाम बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम मुझे ये फाड़ दिया। इसको क्यों फाड़ी है? कॉपी क्यों फाड़ दिए? कॉपी ये कॉपी थी ना ड्राइंग वाली। सॉरी हम और ले लेंगे इसको फेंक दे। आज सफाई करना। तुम अच्छी सफाई नहीं करती, मैं खुद करती हूँ। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। अच्छा गाइस मुझे ना एक बात याद आ गई। वैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बोल बोल के ना मेरे गले में दर्द पड़ गया, लेकिन आप लोग ये समझते नहीं है बात को। लेकिन आप बात जब समझे ना कि आप किसी और को इंसान समझे, आपको कोई और इंसान तो लगता नहीं है, इसलिए आप किसी की बात। और मैं ये बात सबको नहीं कह रही, जो लोग अच्छे हैं, अच्छे व्यूवर्स हैं, अच्छी सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को देखते हैं, सिर्फ गलत उनका दिमाग या वो गलत सोच नहीं रखते। तो मैंने नंबर दिया था, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि नंबर मैं इस वजह से दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आमना जी आप तो हमारे चैनल की प्रमोशन हमने करवानी है, तो हमारी कोई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फीमेल्स हैं, बच्चों की चीज़ें हैं या कोई गेम्स वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐप्स हैं कि हमने उनकी प्रमोशन करवानी है, तो आपसे कैसे रब्ता होगा। इस वजह से मैंने नंबर दिया था कि जिसने भी ऐसी किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट्स की, चैनल्स की प्रमोशन करवानी है तो वो रابطہ कर सकते हैं। किसी ने पेड व्लॉग्स बनवाने हैं, बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने बताया है कि व्लॉग्स लोगों को चाहिए होते हैं। मतलब मैंने कोई चैनल बनाया है तो मैं अपनी वीडियोज़ नहीं डालती, अपनी मतलब अपना कोई कंटेंट नहीं डालती। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से वीडियो ले लूँ, खरीद लूँ। लोग इस तरह बहुत सारे चैनल यूज़ करते हैं, किसी से वीडियोस खरीद के वो फिर चलाते हैं आगे, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी की वीडियोस उठा के लगाते हैं तो वो कॉपीराइट दे सकते हैं। जैसे मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग लगाते हैं तो मैं चाहूँगा उनको कॉपीराइट दे सकते हैं, इसलिए हम किसी का ऐसे कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, बट हम खरीद सकते हैं। तो इसलिए नंबर दिया था किसी को भी व्लॉग, मैं अपने भी तो व्लॉग्स बनाती हूँ, अगर किसी को चाहिए होंगे व्लॉग तो मैं बना दूँगी, मुझे पैसों से मतलब है। तो इस तरह काम के लिए मैंने नंबर दिया था। और व्हाट्सएप पर इतना लोग मैसेज करते हैं खाम खा गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं फैमिली वाली हूँ, हाउस वाइफ हूँ मैं, मुझे और घर के 100 काम होते हैं। मैं कोई अफसर तो हूँ नहीं यहाँ पे जो फ्री हो बैठी होती हूँ और मैं आप लोगों के साथ गप्पे शप्पे मारूंगी। मैंने बहुत दफ़ा कहा था कि आपको सिर्फ गप शप मारने के लिए आप लोग मैसेज ना किया करें, मेरे पास टाइम नहीं होता गप्पे मारने के लिए, मुझे अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब फुर्सत थोड़ी बहुत मिलती है तो मैं जल्दी से अपना व्लॉग बना लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों ने माइंड नहीं करना, आप लोग थोड़ा समझा करें, सोचा करें। आप ना सोचते हैं ना समझते हैं, व्हाट्सअप पे आगे पता नहीं कैसे कैसे आप अजीबोगरीब मैसेज करते हैं जो पढ़ के मुझे शर्म आ जाती है। तो खुदा के लिए दूसरों को भी इंसान समझा करें, हम भी इंसान हैं आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग इंसान हो। तो उम्मीद है कि अब नेक्स्ट आप लोग मुझे खाम खा फजूल किस्म के मैसेज नहीं करोगे, जिसको कोई काम होगा तो वो मुझे मैसेज करेगा और गिर जाऊँगी तो मैं बोल बोल के थक रही हूँ। तो प्लीज आप लोग ना मुझे भी इंसान समझे और मेरी बातें जो है ना गौर से सुना करें। आप गौर से बातें नहीं सुनते इसलिए ना आप लोगों को समझ नहीं आती है। और दूसरी बात, उनको काम भी कोई नहीं होता और खाम खाम में फिर आके व्हाट्सएप पे लिखेंगे अब आम नहीं हो, आप कौन हो, आप क्या करती हो। जब आप लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, तो आप नहीं करना चाहिए ना उनको मैसेज। ब्लॉग देखते हो, चुप करके ब्लॉग देखो और बस सुकून से बैठ जाओ। अगर कोई काम है जरूरी तो फिर मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं बस यही कहूंगी कि खाम खाना कोई मैसेज ना करे। व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल नंबर, अरे चुप करो बच्चे नहीं बोलते बीच में, मेरा पर्सनल नंबर है, गौर से सुन ले। ये नंबर इसलिए दिए कि किसी भी चीज की प्रमोशन, प्रोडक्ट्स की,
चैनल्स की किसी भी चीज की प्रमोशन करवानी हो तो आप लोग रब्ता कर सकते हो। हाँ हाँ, गप्पे मारने के लिए मैं नंबर नहीं देती, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया मैंने, बल्कि जिनको काम होना जरूर वो इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें। हाँ, अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता तो वो व्हाट्सअप पे कर सकता है। और जो फजूल जिसने लिखा ना हेलो आप आना ही हो, कसम से उसको तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा इसको और कोई काम नहीं है, बस इसने खाली गप्पे मारने के लिए मैसेज किया है। ठीक है, फिर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता तो आप लोग यूट्यूब पे आके गंदे कमेंट्स करते हो, तो इस तरह की हरकतें ना किया करो। अल्लाह मियां तो देख रहे हैं ना, इंसानों के सामने तो आप लोग कुछ भी बोल के सच्चे बन जाओगे कि भाई ये बात सच है, लेकिन अल्लाह पाक सब देख रहा होता है कौन सच्चा और कौन झूठा है। तो ओके गाइस, उम्मीद है कि अब आप लोग मुझे तंग नहीं करेंगे, और मैं आखिरी दफा बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैं ही यूज करती हूँ और कोई यूज नहीं करता, मेरे पास ही होता है। ठीक है, और जो भी आपको काम हो ना, आप अपने काम की बात लिख दिया करें, सलाम लिख के अपने काम की बात लिख दिया करें, ये मत लिखा करें आप आमना ही हो, कहाँ से हो, क्या, इस तरह के जिसके मैसेज होंगे ना उसको जवाब नहीं मिलेगा, भले कोई काम वाला बंदा भी होगा तो। ठीक है, तो आज हम लोग बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, बातों से लंबा हो गया हम लोग, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टाग्राम का दे दिया और व्लॉग में नंबर भी चल रहा है मेरा। ठीक है, तो बाय बाय।